सुशांत सिंह राजपूत मृत्यु मामलार तदंत करिबो सीबीआई एभली निर्देश दैछंती सुप्रीम कोर्ट। तदंत रे महाराष्ट्र सरकार सहयोग करिबाकु भी कोर्ट दैछंती निर्देश। एथिस रियांक आवेदन को खारज करि दैछंती कोर्ट। बिहार पुलिस करिथिबा मामला ठीक बोली कहिछंती कोर्ट। बिहार सरकार को तदंत अधिकार रहिथिबा कोर्ट कहिछंती। मुंबई पुलिस मध्य समस्त दस्तावेज को सीबीआई को हस्तांतर करिबाकु सुप्रीम कोर्ट दैछंती निर्देश। सीबीआई चाहिए नुआ मामला रुजु करि पारिबो। पाटनारे सुशांत को बापा रुजु करिथिबा मामला को मुंबई ट्रांसफर पाई रिया चक्रवर्ती आवेदन करिथिले। मेंड्रा अपार्टमेंट रे सुशांत को मृत्यु परठू मुंबई पुलिस एही मामलार विभिन्न दिग को नहीं तदंत करुछि। सुशांत को मृत्यु मामला नहीं पाटना रे मामला दायर हेबा परे एही मामला को मुंबई को स्थानांतर करिबा पाई रिया सुप्रीम कोर्ट रे आवेदन करिथिले। एही मामला बिहार रे विचार करा जिबार कोनोसी आवश्यकता नाही। महाराष्ट्र सरकार एने जुक्ति करिथिले। तेबे एही मामला रे एजाय 56 जन को बयान रेकॉर्ड करा जायछि। केवल सेतिकि नुहे ईडी एही मामला रे रिया तांको बापा भाई को भी पचरा उचरा करिछि। ता सहित रियांक सह संपर्कित आउ किछि व्यक्तन को भी पचरा उचरा करिछि ईडी। रिया 15 कोटी टंका हड़प करि नेथिबा नै सुशांत को बापा अभियोग करिबा परे ईडी वर्तमान तदंत चलाइछि। ये एक लड़ाई हम लड़ रहे हैं 2 महीने से ज़्यादा से सुशांत को जस्टिस दिलाने के लिए, उनके परिवार को जस्टिस दिलाने के लिए। और इतने अड़चने आ रही थी, इतने बाधाएं पड़ रही थी। मुंबई पुलिस ने इसको दिशा बिल्कुल गलत दिशा दे रखा था। और आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि मुंबई पुलिस ने जो भी इन्वेस्टिगेशन किया उसका बड़ा लिमिटेड दायरा था, उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं था। कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि पटना पुलिस में एफआईआर रजिस्टर करने की अब बिल्कुल जुरिस्डिक्शन था। कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि बिहार सरकार सीबीआई को रेफर कर सकता था मामले को। लेकिन इन सब के बावजूद कोर्ट ने सबसे बड़ी बात यह कह दी है कि इस सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को हम अपने कोर्ट का भी स्टैम्प दे रहे हैं और कोर्ट की तरफ से भी कह रहे हैं कि ये सीबीआई से ही होनी चाहिए। और उसमें कोर्ट ने अपने तरफ से और भी ऐड कर दिया है कि कोई भी मामला जो सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ा है, अगर कोई एफआईआर दर्ज होता है, वो एफआईआर दर्ज भी, वो इन्वेस्टिगेशन भी सीबीआई ही करेगी। तो इसलिए बहुत ही अहम फैसला है। महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि हमको वो राइट रिटेन करने दीजिए जिसमें कि हम इस सीबीआई के रेफरेंस को, बिहार सरकार द्वारा सीबीआई के रेफरेंस को हम चैलेंज कर सकें। कोर्ट ने कहा है कि बिल्कुल हम वो पावर नहीं देंगे, बिल्कुल आपको वो राइट नहीं देंगे, क्योंकि हमने जब कोर्ट का पावर इस्तेमाल कर लिया है और कह दिया है कि ये इन्वेस्टिगेशन सीबीआई द्वारा ही होनी चाहिए, तो महाराष्ट्र सरकार को चैलेंज करने का कोई अधिकार इसमें नहीं बनता। मामलार सीबीआई तदंत संपर्कित सुप्रीम कोर्ट को राय को स्वागत करिसेंती तांको परिवार लोके। एने एक लिखित प्रतिक्रिया भी जारी करिसेंती परिवार। एमाने एथिपाई समस्तंकु कृतज्ञता जणाइछंती। जो माने सीबीआई तदंत लागी दाबी करुथिले, एही कठिन समय रे परिवार साथिरे छिड़ा होइथिले, सेमानंकु धन्यवाद जणाइछंती एमाने। खास करी बिहार सरकार और मुख्यमंत्री को एमाने कृतज्ञता प्रकाश करिछंती। आशा करिछंती सीबीआई मामलार तदंत भार दिया जाइथिबारु सत्य निश्चय पदाकु आसीबो। मैं बहुत खुश हूँ सीबीआई जांच हो रही है और आगे भी निष्पक्ष हो जाए तो सबसे अच्छी बात वही होगी। तो जितने भी उनके फैंस हैं, उनके फैमिली है, तो हम लोग कांग्रेस से सपोर्ट करते रहेंगे। आप शुणुले बर्तमान सुशांत रोसेया जे पूर्वतन रोसेया से प्रतिक्रिया देती से खुशी व्यक्त करिवार कहीं पूरा देश में जो माने सुशांत सिंह राजपूत का फैन थिले समस्ते खुशी व्यक्त करिसेंती। कारण दीर्घ दिन ए दाबी थिला, दीर्घ 66 दिन धरी सीबीआई तदंत पर दाबी आसूला। कारण सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या गोटे मिस्ट्री रही जाइए। से मिस्ट्रीर सत्यता पदाकू आसू। कारण कौटिना कौटि मुंबई पुलिस जो तदंत था ता कौटिना कौटि दिगहरा होता। बिहार सरकार तरफ बिहार पुलिस अभियोग आनी जिते सुशांत सिंह राजपूत को बापा बिहार में एफआईआर दर्ज करते, एफआईआर मामला दायर करते। कौटिना कौटि मुंबई पुलिस तदंत उपर प्रश्न सृष्टि होता। बिहार पुलिस जिते मुंबई में आसी तदंत करते, मुंबई पुलिस सहयोग मागी से बिहार पुलिस को से सहयोग मिली नथिला मुंबई पुलिस ठारू। जहाकु नहीं अनेक चर्चा भी होता। ए भितर सुशांत सिंह राजपूत का फैन माने मध्य कौटिना कौटि अनेक आशावादी थिले सीबीआई तदंत पर। परिवार लोक मध्य चाहूथिले सीबीआई तदंत पर। सीबीआई तदंतर राय देछंती शेषरे सुप्रीम कोर्ट। न्यूज 18 प्रतिनिधि मुंबई रे अछंती हमर अमित राय अधिक आलोचना करिबा पई। अमित, 66 दिनों की बात है और अगर 2 महीने पहले की बात किया जाए और अभी की बात किया जाए बहुत कुछ बदलाव है। हालांकि सुशांत सिंह अभी हमारे बीच में नहीं रहे हैं, लेकिन उनके जो परिवार के हैं, उनके जो फैंस है, उन लोगों का जो दावी है, कहीं ना कहीं आज सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद कुछ तो हल्का हुआ है बोल सकते हैं, क्योंकि सीबीआई का निर्देश मिला है। अभी क्या कुछ वहां पे चल रहा है? जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई करेगी, उसके बाद से जो है मुंबई और महाराष्ट्र सरकार पूरी तरीके से हरकत में आ चुकी है। लगातार सुबह से बैठकों का दौर शुरू है। मुंबई पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में जो इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं डीसीपी अभिषेक प्रमुखे और डीसीपी परमजीत सिंह दहिया, जिससे जीजा जो सुशांत सिंह राजपूत के हैं, ओपी सिंह जिन्होंने फरवरी में शिकायत की थी वो मुसीबत में है, इन तीनों लोगों में बैठकों का दौर शुरू है। केस से संबंधित सारे पेपर जो है वो खंगाले जा रहे हैं, सारे दस्तावेजों को इकट्ठा किया जा रहा है और आपस में बातचीत चली, क्योंकि अब सारे दस्तावेजों को जो है सीबीआई को सौंपना है। वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सीएम उद्धव ठाकरे के निवास स्थान वर्षा पर भी जो है लगातार बैठकों का दौर शुरू है। होम मिनिस्टर अनिल देशमुख वहां मौजूद है। अभी कुछ ही देर पहले जो है महाराष्ट्र के डीजीपी जो है सुबोध जायसवाल और मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह, ये दोनों मिलकर निकले। आधे घंटे तक बैठक चली सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर। और अभी भी मैं आपको बताऊं कि होम मिनिस्टर अनिल देशमुख जो है वो अटॉर्नी जनरल के साथ वहां मौजूद है और लगातार जो है बैठकों का दौर शुरू है। आखिरकार अब आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ हो सकता है, लेकिन जिस तरह से जो है सीबीआई जांच की बात सुप्रीम कोर्ट ने की, निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार को एक जोर का झटका लगा हुआ। जिस तरह हम देख रहे थे पिछले 66 दिनों से लगातार जो खेल चल रहा था कि मुंबई पुलिस की जांच अलग दिशा में है, बिहार पुलिस आती है, उसे सहयोग नहीं मिलता है, बिहार के आईपीएस अधिकारी को क्वारंटीन कर लिया जाता है, तो बहुत कुछ देखने को मिला। यहाँ पे एक बहुत बड़ा ड्रामा जो है वो देखने को मिला। लेकिन अब जो है मुंबई पुलिस की बहुत ज्यादा किरकिरी हुई है और इस आज के फैसले के बाद परिवार के साथ जो फैंस है करोड़ों सुशांत सिंह राजपूत के, जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं, जो एक्स स्टाफ है जो उनके साथ काम कर चुका है, फिल्म जगत से जुड़े हुए लोग जो उनके साथ खड़े थे अभी तक, उन सारे लोगों को जो है राहत मिली है। तो अब इस पूरे मामले की जांच जो है सीबीआई करेगी। हालांकि होम मिनिस्टर जो है और मुंबई पुलिस कमिश्नर साफ तौर पर कह रहे हैं कि अभी तक हमें आदेश की पूरी कॉपी नहीं मिली है, पर हमें ऑर्डर की पूरी कॉपी मिल जाए, पूरी कॉपी को हम पढ़ लें, फिर हम डिसाइड कर पाएंगे आगे जो है हमारा क्या निर्णय होगा, क्या स्टेप होगा। अमित, ये भी सुनने को मिला है दिल्ली सीबीआई की टीम एक मुंबई आ रही है और वहां पे वो लोग जांच करेंगे, पड़ताल करेंगे और किसी ना किसी को गिरफ्तारी करने के लिए वो भी कहीं ना कहीं संभावना है। तो इसको लेके अगर जानकारी मिले, क्या कुछ और मिला है जानकारी आपको? देखिए, जैसे ही फैसला आया वैसे ही रिया के वकील जो है एडवोकेट सतीश मान शिंदे ने स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने कहा था कि सीबीआई जांच की मांग तो रिया ने ही की थी और ये चाह रही थी इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो, और वही सुप्रीम कोर्ट ने जो है निर्देश दिया है। तो ये जताने की कोशिश की गई है कि रिया की भी यही मांग थी और रिया आज के फैसले से काफी खुश है। ये मीडिया में जताने की कोशिश उनके वकील द्वारा की गई थी और साफ तौर पर यह भी कहा गया था। हालांकि अमित, यही मैं आपको पूछना चाहूंगी, पहले रिया ने कोशिश की थी, सीबीआई मांग की, लेकिन बाद में जब बिहार पुलिस आके पूछताछ की, जांच की मुंबई में, उस टाइम रिया इस सब चीजों से पीछे मुकर गए थे। देखिए, चाहे महाराष्ट्र सरकार हो, चाहे मुंबई पुलिस हो, चाहे रिया हो या उनकी जो लीगल टीम हो, हर किसी का ये मानना था कि बिहार पुलिस को कोई अधिकार ही नहीं इस पूरे मामले में जांच करने के लिए, क्योंकि वो नियम का ये हवाला दे रहे थे कि पूरा जो कांड है, जो ये पूरा वाकया घटा है वो मुंबई में घटा है, कि ये मुंबई का केस है, बिहार पुलिस जो है एफआईआर ले ही नहीं सकती थी। लेकिन उन्होंने अनौपचारिक तरीके से जो है एफआईआर ली, बाद में जो है बिना किसी जाँच के जो है, बिना किसी जो है नियम कानून के वो मुंबई पहुंच जाते हैं और अपनी जांच पड़ताल शुरू कर देते हैं। तो अभी तक यही थियरी मुंबई महाराष्ट्र सरकार की तरफ से आ रही थी कि उन्हें जांच करने का अधिकार नहीं है, लेकिन आज को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार का, अब बिहार पुलिस का पूरा अधिकार है, क्योंकि एफआईआर वहां पे दर्ज हुई है, अभी तक मुंबई में एक भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। तो आज के फैसले के बाद जो है सीबीआई जो दफ्तर है मुंबई का, वहां भी हलचल बढ़ चुकी है और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कल या परसों में जो है सीबीआई की एक टीम जो है मुंबई भी पहुंचेगी और इस पूरे केस को लेकर जो फ्रेश जांच है वो शुरू हो जाएगी। और उसके पहले मुंबई पुलिस को जो है सारे सबूत, जो उन्होंने 56 लोगों के जो बयान दर्ज किए थे या जो स्टेटमेंट थी, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, फॉरेंसिक की रिपोर्ट थी, जो वीडियोग्राफी सुशांत सिंह राजपूत के घर की गई थी, ये सारी चीजें जो है वो सीबीआई को सौंपना पड़ेगा। सारे दस्तावेजों को देखने के बाद, खंगालने के बाद सीबीआई अपनी इंक्वायरी शुरू करेगी। हालांकि इसके पहले सीबीआई ने जो है सुशांत सिंह राजपूत के पिता और बहन का जो है बयान पहले ही दर्ज कर लिया था, तो सीबीआई ने अपना काम शुरू कर दिया था। लेकिन आज जो औपचारिक तौर पर उन्हें जो आदेश की जरूरत थी वो सुप्रीम कोर्ट ने दे दी और अब जो है पूरे लाव लश्कर के साथ जो है सीबीआई का जो पूरा डिपार्टमेंट है, जो उनकी टीम है, वो मुंबई पहुंचेगी। और कहीं ना कहीं अमित, इस चीजों में कहीं ना कहीं जो कड़ी जुड़े हुए हैं वो सामने आएगी। सब सबको ही आशा है और कहीं ना कहीं उसके जो सुशांत सिंह राजपूत के फैंस है वो भी कहीं ना कहीं ये चाहते हैं जो मेन कल्प्रिट है जिसने ये सुशांत सिंह आत्महत्या किए हैं और उनके आत्महत्या के पीछे जो कोई भी है वो सामने आए, ये सब कोई चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अभी की जानकारी के लिए आपको। आपण शुणुते मुंबई प्रतिनिधि सूचना देते जो भाव में बर्तमान आज सीबीआई निर्देश देती सीबीआई बर्तमान तदंत परिसरभुक्त आसी सारी सुशांत सिंह मृत्यु मामला एने सुप्रीमकोर्ट निर्देश देती कौटिना कौटि बिहार सरकार आश्वस्त होती। बिहार सरकार को जिते मुंबई पुलिस साहाय्य करूनथिला अनेक कथा सामना को आसुथिला मुंबई पुलिस उपर प्रश्नवाची सृष्टि होइतिला एवं ए भितरे सुप्रीमकोर्ट को निर्देश आश्वस्त आनिछि जदियो मुंबई पुलिस को रियांक परिवार को झटका भी लागिछि कहि परिबा। सबडे सुशांत सिंह मामला रे सीबीआई तदंत को स्वागत करिसेंती बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कहिसेंती एहाकु नै राजनीति हेबा अनुचित विशेषकर बिहार और महाराष्ट्र मध्य रे देखा देथिबा विवाद हेबा उचित नुहे बोली कहिसेंती नीतीश। नीतीश जी न्यूज 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो बहुत बहुत बधाई हो, चाहे वो सुशांत सिंह के परिवार हो या बिहार के लोग हों, वो सब जो है वो क्रेडिट आपको दे रहे हैं कि नीतीश कुमार के इंटरवेंशन के बाद जो है ये मामला न्याय मिल पाया परिवार को। देखिए, आज जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है उससे ये स्पष्ट हो गया कि बिहार में जो कुछ भी किया गया और बिहार पुलिस ने जो केस दर्ज किया और उसके बाद जो जांच शुरू किया और बाद में जब सुशांत जी के पिताजी की सहमति मिल गई तो हम लोगों ने सीबीआई को रेफर किया और सीबीआई ने इसको स्वीकार कर लिया। तो आज तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से हो गया कि जो कुछ भी किया गया वो बिल्कुल ही विधि सम्मत था, कानून के मुताबिक था और अब मुझको पूरा का पूरा भरोसा है कि न्याय मिल पाएगा। और सिर्फ परिवार या बिहार के लोग ही नहीं, हमने तो देखा है कि देश भर में बहुत बड़ी संख्या में लोगों की इनके प्रति बहुत सहानुभूति थी और लोगों को बहुत बुरा लगा है जो कुछ भी घटना घटी है। इसलिए सब लोगों की इच्छा थी इसकी ठीक ढंग से जांच हो ताकि न्याय मिले, सच्चाई सामने आए। जी ये सुप्रीम तो पूरा भरोसा हमको है। जी जी सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आया, लेकिन इसके फैसला आने से पहले बड़े गंभीर आरोप लगा रहे थे महाराष्ट्र सरकार के लोग और उनके एमपी की आपने राजनीतिक फायदे के लिए किया है, आपका हक नहीं बनता था, आपका जुरिडिक्शन नहीं था वहां पे, उसके बाद भी आपने बिहार पुलिस को लगा दिया इस काम में। तो अब तो आज सुप्रीम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के पता चल गया ना कि जो वो बोल रहे थे बिल्कुल गलत बोल रहे थे। और हम तो कभी नोटिस नहीं लेते हैं ऐसी चीजों का, इसका राजनीति से कोई रिश्ता नहीं, इसका सीधा का सीधा रास्ता न्याय से है। विधि सम्मत कार्रवाई की गई थी तो जो कानूनी काम है वो काम किया गया। उसमें अगर उन लोगों ने ऐसी बात कही और अपना आर्गूमेंट भी कर रहे थे, आरोप भी लगा रहे थे, तो अब तो उनको पता चल गया कि जो कुछ भी कह रहे थे वो बिल्कुल बेबुनियाद था और बिल्कुल गलत था। तो आज जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला हुआ उससे स्पष्ट हो गया कि बिहार की तरफ से कोई राजनीति नहीं की गई, बिहार की तरफ से जो भी किया गया वो विधि सम्मत कार्रवाई की गई। जी, इसका बहुत हद तक श्रेय आपको भी जाता है क्योंकि आपके ही कहने पे एफआईआर किया गया था, आपके ही कहने पे फिर सीबीआई जांच की बात की गई थी और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहेल्ड कर दिया है कि सीबीआई जांच की बात सही थी। तो अब आप क्या उम्मीद रखते हैं नीतीश जी, इसमें क्या आगे? नहीं, हमको पूरी उम्मीद है कि सब लोगों की इच्छा सीबीआई की थी, हम लोगों की भी इच्छा थी और सीबीआई सही मायने में ठीक ढंग से जांच कर पाएगी और मुझको पूरा भरोसा है कि यथाशीघ्र जांच की कार्रवाई वो पूरा कर पाएंगे और न्याय दिलाएंगे। जी नीतीश जी, न्यूज 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत तेबे मामलार तदंत सीबीआई को दिया जिबा परे यहाकु नै खुशी प्रकट करिसेंती बिहार पुलिस महानिर्देशक गुप्तेश्वर पांडे। से कहिसेंती एहा द्वारा न्यायर विजय होईछि और यहा सुप्रीम कोर्ट कर फैसला जहा द्वारा स्पष्ट हो जाइछि बिहार पुलिस जहा अभियोग करूथिला ताहा सत्य। मुंबई पुलिस ए मामला रे पक्षपातपूर्ण नीति करूथिला बोली से अभियोग करिसेंती। एहा फळरे बिहारवासी खुशी बोली से कहिसेंती। आसंतु सुनिबा कोन कहिसेंती बिहार डीजीपी। सुशांत सिंह मौत मामले में आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। अब सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी। इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे मौजूद हैं। गुप्तेश्वर पांडे जी, ये जो आज फैसला है इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया? बहुत खुश हूँ मैं, पूरा देश खुश है, पूरा बिहार के लोग खुश हैं, पूरे देश के लोग खुश हैं। न्याय की जीत हुई है, सत्य की जीत हुई है, ताक की जीत हुई है, लड़ाई जो सत्य के लिए हम लोग लड़ा उसकी जीत हुई है। और बिहार में तो बहुत ही खुशी है, घर घर में खुशी है, लगता था जैसे बिहार के हर घर का एक बेटा मर गया है। तो लोगों को उसी और देश में भी बहुत अच्छा मैसेज गया है। फैसले के क्या मायने निकाले जाने चाहिए? इसका मायने निकालना चाहिए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को लगा कि मुंबई पुलिस ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है, इसलिए उसने सीबीआई को दे दिया, और मुंबई माननीय सर्वोच्च न्यायालय को लगा कि बिहार पुलिस जो काम कर रही थी वो विधि सम्मत था। बिहार पुलिस का जो काम अधूरा रह गया था अब सीबीआई उसे पूरा करेगी, जरूर पूरा होगा। एक सवाल और है, इस पूरे मामले में एक रिया चक्रवर्ती की प्रतिक्रिया आई है सीएम नीतीश कुमार को लेकर, उस पर आप क्या कहना है? उन्होंने क्या कहा ये भी मैंने सुना नहीं है, लेकिन कोई अमर्यादित टिप्पणी की है तो मैंने कहा है कि उनकी औकात ही नहीं है कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ बोले। एक आखिरी सवाल, लगता है कि सुशांत सिंह को, अब उनके परिजनों को न्याय मिल पाएगा? जरूर मिलेगा, सुशांत सिंह और उनके परिजनों को निश्चित तौर पर न्याय मिलेगा, यह कहना है बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, न केवल बिहार के डीजीपी बल्कि बिहार के जनमानस में भी एक खुशी का माहौल है, और निश्चित तौर पर अब यह उम्मीद की जानी चाहिए कि लंबे अरसे से जो लड़ाई लड़ी जा रही थी उस मामले में अब सुशांत सिंह के परिजनों को न्याय मिल सकेगा। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। सुप्रीम कोर्ट को निर्देश पर बिहार में कौन चली आसतु जाना आम प्रतिनिधि संजय कुमार को। संजय, सुप्रीम कोर्ट से निर्देश आया और फिर उसके बाद सीबीआई तदंत किया जाएगा, अभी सीबीआई टीम फिर भी मुंबई के लिए निकल गई है। इस बीच में बिहार की पुलिस को बहुत कुछ सामना करने को पड़ा है, और जो कुछ क्वारंटाइन का बात किया जाए, बिहार पुलिस को मुंबई पुलिस का सहयोग ना मिला, ये सब के बाद अभी जो नतीजा आया है क्या कुछ सुनने को मिल रहा है वहां पे, और उनके जो परिवार है उनका क्या कुछ कहना है? देखिए, निश्चित तौर पर एक लंबे अरसे से जो मांग थी कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच करवाई जाए, उसके बाद बिहार सरकार ने इस मामले में आदेश भी दिया था, और आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, निश्चित तौर पर बिहार सरकार इसे और बिहार पुलिस खासकर इसे अपनी जीत के रूप में देख रही है। जिस तरीके से बिहार पुलिस टीम मुंबई पहुंची थी और किसी तरह का कोऑर्डिनेशन नहीं देखने को मिला महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से, वैसे में अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर थी, और आज जो ये फैसला आया है, बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का बयान आया है कि ये न्याय की जीत है, और पॉलिटिकल रिएक्शन भी आया। तमाम लोगों ने, भले ही मुंबई में जो महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता हैं वो सीबीआई जांच से लगातार मना कर रहे थे, उनके गृह मंत्री का भी बयान आया था, लेकिन बिहार कांग्रेस के नेताओं ने भी जो सीबीआई इंक्वायरी का फैसला आज आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसका स्वागत किया है। और पूरे बिहार में आज एक तरीके से जो एक उम्मीद थी वो उम्मीद पूरी हुई है, क्योंकि सुशांत सिंह बिहार के चहेते युवा अभिनेता थे और हर दिल अजीज थे। ऐसे में आज जो ये फैसला आया है, निश्चित तौर पर न केवल बिहार पुलिस प्रशासन बल्कि मुख्यमंत्री संजय, सीबीआई की अभी टीम जांच करेगी। उनके जो सुशांत सिंह के राजपुत्र के जो पापा हैं के सिंह, उनका क्या कुछ कहना है? देखिए, निश्चित तौर पर सुशांत सिंह के परिजनों ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है, और उनका ये कहना है कि जो उनकी चिरपरिचित अभिलाषा थी, जो आकांक्षा थी, वो आज पूरी होती आई है, और उन्हें लग रहा है कि अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जी, और इस बीच में जो बिहार डीजीपी ने भी जो बयान दिया है, न्याय की जीत हुआ है, और उसको लेके अभी जो जांच होगी सीबीआई की, और सीबीआई की जांच में कहीं ना कहीं और भी कुछ सामने आएगा। इस बीच में क्या कुछ आशा है? कौन कौन जो मुद्दे में जुड़े हुए हैं, कौन कौन इस कड़ी में जुड़े हुए हैं, उसके लेके उसके पापा का क्या कहना है, सुशांत सिंह राजपूत के पापा का क्या कुछ कहना है? जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है, जो जजमेंट आया, उसमें ये बात कही गई है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच की, उसमें कई लूप होल्स हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो बिहार सरकार और खासकर बिहार पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने जो आशंका जताई थी, वो आशंका आज सच साबित हुई है। और ऐसे में अब जिस थ्योरी पर बिहार पुलिस काम कर रही थी, निश्चित तौर पर सीबीआई अब जांच करेगी, तो उस थ्योरी पर दो फरलांग आगे बढ़कर वो जांच करेगी। और ऐसे में निश्चित तौर पर जो सुशांत सिंह के परिजन है, जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती, सबको आशावादी है संजय कि जो इस मुद्दे से जुड़ा हुआ है, जिसके लिए सुशांत सिंह ने आत्महत्या की कोशिश की और कहीं ना कहीं आज हमारे बीच में वो नहीं रहे, कहीं वो गिरफ्त हो और गिरफ्तारी के बाद उनको दंड मिले। बहुत बहुत धन्यवाद अभी की जानकारी के लिए आपको। सुशांत सिंह मृत्यु मामला को नहीं सुप्रीम कोर्ट को राय परे बॉलीवुड विभिन्न व्यक्ति ट्वीट करी निज मत रखिछंती। वरिष्ठ अभिनेता अनुपम खेर कहिछंती जय हो। सेहिपरि अशोक पंडित लिखिछंती सेही सबु आईन विशेषज्ञ को शुभेच्छा जेउ माने एही विपद समय सुशांत को परिवार सह छेड़ा होइतिले। मधुर भंडारकर भी एही राह को स्वागत करिछंती एवं राह को अनेक बॉलीवुड इंडस्ट्री रो अभिनेत्री कहतु समस्त स्वागत करिछंती एवं आरंभ रु ही कंगना रनौत को कथा जदि कहबा आरंभरू ही से सुशांत सिंह राजपूत कथा को नहीं निजर मत आलोचना करने अभिनेता अच्छा बुधादित्य फोनलाइन में अधिक सूचना देवाई प्रतिक्रिया कहवा। बुधादित्य प्रथम आपको स्वागत करुच्ची आलोचना को। बुधादित्य सुशांत सिंह राजपूत मामला कोटना कोटी समस्त को झटका देती पूरा देशवासी निश्चित और फैन भितर गोटे बड़ झटका लगी तेरे ए सबू ए दीर्घ 6-7 दिन भितर नेपोटिज्म कथा परिवारवाद कथा उठुची। ए परिवारवाद कथा उठिले आपको पचरा जाए आपण मुंबई रे थिले आपण बॉलीवुड इंडस्ट्री सहित जड़ित थिले परिवारवाद कथा केते सत्य? नमस्कार नेपोटिज्म कथा उठाउ छै जे सेही टॉपिक नो छै पारिवारिक कथा एकदम सत्य। एथि सुनो तो नेपोटिज्म माने निज परिवार निज जणासुना संतान मानन को कार्य देबा ठीक अछि आपण गोटे आरो नेपोटिज्म को मो सपोर्ट करछि। द नेपोट किड्स आर शशि कपूर, ऋषि कपूर, अनिल कपूर, संजय दत्त एमाने हेले रियल स्टार्स फादर स्टार्स जो माने सुनाम अक्षर तांको करियर लेखिसन 30 वर्ष हला। किंतु जदि नेपोटिज्म किट हेबे कुमार गौरव, तुषार कपूर, अर्जुन कपूर, सोनाक्षी सिन्हा, सोनम, सारा अली खान इत्यादि जो माने फ्लॉप ऊपर फ्लॉप दियंती अभिनय विषय एते चिटमिक भावरे परिप्रकाश करि पारंतनी तांको जदि बारंबार चांस दिया हुए एवं टैलेंटेड एक्टर्स रियल टैलेंटेड एक्टर्स से मानको से वाला चांस दिया न जाए ताले एटा ओड विवादियो कथा निश्चय। एटी आपण को पचार भी बुधादित्य आपण मध्य बॉलीवुड रे ट्राई करथिले एवं सेठारे रहिथिले से जो अभिज्ञता आपण मध्य जेतेबेले चाहुथिले इंडस्ट्री एंट्री करबा पई को सुजोग पई कोन पई मिलिलानी आपण को भाबुचंती? बढ़िया प्रश्न पचारले। आपण देखिबे मु ही प्रथम बॉम्बे रे जे हिंदी सीरियल्स प्रारंभ होगल सीरियल्स जिबाटा वाज नॉट एन ऑप्शन बट अ कंपल्शन बिकॉज मु फिल्म्स में ट्राई करथिली आउ बहुत वर्ष ट्राई करी एबे भी मोर कनेक्शन अच्छा किसी प्रोड्यूसर सहित आपन जानते ऋषि कपूर सहित कनेक्शन से हिसाब से गोटे उदाहरण दे दौर आज मोर बालाजी क्या तेरा वादा करूली से रोल सूरी किरदार बहुत पसंद भी कले लोक से टाइम वंस अपन अ टाइम इन मुंबई दोबारा कास्टिंग हो बालाजी प्रोडक्शन में से अक्षय कुमार थे सेकेंड लीड रे गोटे नुआ पिला दरकार था मिलन लुथरिया को कांटेक्ट करके मु देखाला बालाजी मु डबिंग करूची। आई गॉट द कांटेक्ट्स ऑफ बालाजी फिल्म ऑफिस एंड ताकर सीरियल ऑफिस अलग अलग तथापि कनेक्शन बाहर करी बहुत चेष्टा कली मिलन लुथरिया सहित देखा भी हला किंतु पॉसिबल ता भीतर इमरान खान जो छे ना आमिर खान को नेफ्यू बिकॉज़ सी तो जानि ले जे यार अब सीक्वल होची से संक्षेप में तो एही आपन पचर भी कोठना कोठी एक्टिंग को गुरुत्व दिया जाऊ नाही नेपोटिज्म को गुरुत्व दे जाउची जत पई कि सुशांत सिंह राजपूत को भली यंगस्टर जो माने स्ट्रगल करी करी फिल्म इंडस्ट्री रे पाद दउछंती तांकर मृत्यु होउची। निश्चय टैलेंट इज द लास्ट थिंग यू नीड इन एनीवेयर बॉलीवुड को हॉलीवुड को टैलेंट इज सेकेंडरी इट इज हाउ सुनतो हाउ यू आर वेल कनेक्टेड आपन पीआर केते आपन कहा स्टार्स तो बॉलीवुड कौन टॉलीवुड साउथ इंडिया में सेया होची तो टैलेंट इज सेकेंडरी जदि टैलेंट है हिन त ताले सुशांत सिंह राजपूत को पाखरे बेसी फिल्म्स का था ना गोटे दुर्भाग्यर कथा बुधादित्य देखंतु जड़े यंग सेंसेशन जे कि इंडस्ट्री पाद देथिले एवं अनेक हिट फिल्म देला तार देहांत परे एवं दीर्घ एते दिन परे आजिर सुप्रीम कोर्ट को निर्देश परे मध्य केही भी बॉलीवुड इंडस्ट्री रो आगो धाडीर जो नेता अछंती जो अभिनेता अछंती पुरुखा अभिनेता माने केही भी प्रतिक्रिया देनांती समस्ते डरुन क्या काली को आज को 6 मास पर जदि मामला किसी है यशराज करण जोर मन रखिए जदि से सुशांत सिंह बेले लोक को दबेक रखी पार्टी तो ये आयुष्मान खुराना आपंकर जी आर्टिस्ट अच्छे सेमती कहे काली से यशराज काम करेंगे ना धर्म काम करेंगे तो बॉम्बे लैंग्वेज कहते सबकी हालत खराब है सबकी डिग्री खाई कंगना रनावत भली एक्ट्रेस अच्छी जे कि सामना को आसी निज मत दे तो लगुनि कि ए जो वाद विवाद पर भी कोटना कोटी भारी पड़ो बोली कंगना रनावत को कथा जदी कहबा एवं अन्य अभिनेत्री को कथा कहबा कंगना रनावत रियल जीवन रे से लक्ष्मी भाई रियल जीवन रे से क्वीन से तांकर करियर तांकर जीवन तावरे लगित होछे से सत्य राजपूत शी डजंट केयर शी रिफ्यूज ओनली हीरोइन जे सुल्तान मनाकला सलमान खान को फिल्म ओनली हीरोइन जी खान के साथ काम करी क्वीन अपन माणिकर्णिका एत चमत्कार फिल्म तनुज वर्णु सीरीज नहीं कि तो ब्रांड एंडोर्समेंट छड़ा जाइए 18टा ब्रांड एंडोर्समेंट छड़ा जाइए की बुलिंग कराई आज्ञा तथापि से प्रथम दिन सीए पार्टी कले एवं अर्ण पर्ण समस्ते बाहर ले सो कंगना को मनाली रे थाई कि आप जानते न्यूज रे अच्छा 15-20 दिन तले घर पाखे फायरिंग भी होता apple orchards re. So she is nearly live tanko stake lagi dichan. एमिति कोनोसी आर्टिस्ट बदे वर्ल्ड सिनेमा रे करिनो थिबे आज्ञा जहा आपण कहिले बहुत बहुत धन्यवाद एवं आमे आशा करिवु बुधा दियो कारण आपण भी निजे जहा कहउचंती आपण निराश हेचंती एवं ए निराशा अनेक अंकु आज एभली माने स्टेप नबा को बाध्य करूची कोटना कोटी जदी सुशांत सिंह आत्महत्या करिसंती निश्चित ताहा मध्ये एहा मध्ये गोटे कारण थाई पारे कारण इंडस्ट्री रे नेपोटिज्म बहुत मात्रा रहिछि एवं आपण मध्ये ताकु मानुचंती बहुत बहुत धन्यवाद हम सता आपण को प्रतिक्रिया देथिबारु वर्तमान सुप्रीम कोर्ट निर्देश दैछंती सीबीआई तदंत हेबा एवं बिहार सरकार राय को स्वागत करिसेंती मुंबई पुलिस को मुंबई सरकार को कोटना कोटी झटका लगी कारण मुंबई पुलिस सहयोग करूनथिला बिहार पुलिस को बर्तमान सीबीआई रो तदंत कुआडे जाउची एवं एई सुशांत सिंह मृत्यु मामला रे किए किए जोड़ी होइछंती तांको मृत्यु पछर असल कारण किए पदा को आसिले हुए तो तांको परिवार एवं तांकर समस्त फैन माने आश्वस्ति पाइबे समय सोची स्वतंत्र बुलेटिन को एट रखुछु नमस्कार।